सरहदी बाड़मेर जिले में एक और तो नव बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर की तुलना स्वच्छ शहर इंदौर से की जा रही है, लेकिन शहर की कई कॉलोनियों में नालों के गंदे पानी से लोगों के हाल बेहाल हैं। शहर के बलदेव नगर में कई महीनों से फैले गंदे पानी से लोगों को अपने घरों से बाहर आने जाने में परेशानी हो रही है और लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल भरा काम हो गया है। साथ ही गंदे पानी से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का भय सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा एक तरफ शहर में सफाई अभियान नया बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शहर में गंदगी का आलम बरकरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदा पानी हमारे घरों में है और घर में बने पानी के टांकों में आने से हम परेशान हैं, घरों में रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही उनका कहना है कि नालों के पानी की बदबू से भयंकर बीमारियों का भय रहता है। ये बलदेव नगर है, पिछले एक साल से मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति है बहुत खराब है, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा बाजार में और जनप्रतिनिधि द्वारा बाजार में सफाई जो अभियान चलाई जा रही है, लेकिन ये बलदेव नगर की स्थिति आप देख रहे हो पीछे बहुत खराब है। हमारे जो टंकी है वो भी पानी भरा जा रहा है और पीछे ये जो गंदगी है यहाँ तो ना कोई प्रशासन आ रहा है ना तो जनप्रतिनिधि आ रहे, यहाँ बहुत समस्या है। हमने कई बार प्रशासन और कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये हर साल की यही स्थिति है, जुलाई से भी यही है और हर साल की, ऐसा नहीं है कि इस बार हुआ है। हमारे पीछे ये कमरे है ये भी पानी में भरे हुए है और बाकी ये गटर वगैरह ये भी पानी में भरे हुए हैं। उनसे ये हमारा निवेदन है, एक बार बलदेव नगर का आप यहाँ निरीक्षण करें, यहाँ की स्थिति देखें, बहुत खराब है। उन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों को बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डामी से उम्मीद बंधी है कि वर्षों से जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं उससे जल्द निजात मिलेगी।